हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास लावा आयरिस Z88 मॉडल का मोबाइल फ़ोन है। दोस्तों, ये जो है लोगों पे अटका हुआ है, इसको किस तरह से दूर करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको इसकी जो बैटरी है उसको सबसे पहले रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद में इसका जो सिम और मेमोरी कार्ड है वो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया है। अब आपको इसको जो है हार्ड रिसेट कर देना है। हार्ड रिसेट करने से जो इसकी प्रॉब्लम है स्टक ऑन लोगों की, वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगी 100%। आपको वॉल्यूम अप की और पावर की को एक साथ प्रेस करे रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, और इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप से ऊपर नीचे करके रिकवरी पे जाने के बाद में वॉल्यूम डाउन बटन से ओके करना है। ये देखिए लिखा हुआ भी है, वॉल्यूम अप से आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन से ओके, और यहाँ पे पावर बटन और दबा के आप वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले वाइप डाटा कैच पार्टीशन को रिमूव करना है, उसके बाद में वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट करके सिंपली इसको रिबूट सिस्टम कर देना है। अब जो है आपका मोबाइल फ़ोन है ये हार्ड रिसेट हो जाएगा पूरी तरह से, और आपका मोबाइल कुछ ही मिनटों में इस तरह से ऑन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप किया है टाइम की वजह से। तो दोस्तों, अब जो है इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया है। अब मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में दोस्तों इसकी जो FRP है वो आपको रिमूव करके दिखाऊंगा बिना किसी PC की मदद से, बहुत ही आसानी से। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।